Hey guys, सो वेलकम बैक टू my अनदर YouTube वीडियो तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ क्लब सैंडविच की तो इस रेसिपी में जो मेन इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए वो है अनियन कैप्सिकम टटोज़ अगर आपको टोमेटो यूज़ करना ठीक है अगर नहीं करना तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो और अगर, अगर आपके पास म्योनीज़ है तो म्योनीस यूज़ कर लीजिए नहीं तो आप मलाई यूज़ कर सकते हो अगर मलाई भी यूज़ नहीं करनी तो यू कैन तो यूज़ कर्ड तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैं कौन से तरीके में सैंडविच बना रही हूँ और मैं तवे पे बनाऊंगी टोस्टर पे नहीं तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अब देखो चुटकी मार के कैसे मैंने प्याज और कैप्सिकम कट कर दी <laughs> काश रियल लाइफ में भी इतना ईजी होता तो चलो अभी बताते हैं तो मैंने बाउल में एक डाल दिया प्याज और कैप्सिकम और उसके बाद मैंने थोड़े से मसाले डाल दिए बीच में जैसे नमक गरम मसाला लाल मिर्च थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला मैंने फ्लेवर के लिए और उसके बाद मैंने और गहनू डाली है चिली फ्लेक्स भी डाली थी वो बट मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो ये सब कुछ मैंने डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है फिर मैंने डालिया है केचप आप कोई भी सॉस यूज कर सकते हो इसके बाद मैंने अभी ऑनिस्ट डाली है थोड़ा सा क्योंकि मलाई थोड़ी थी तो इसलिए वो पूरा नहीं आना था तो ब्रेड पे मैंने लगाया सैंडविच स्प्रेड और उसके अच्छे से उसको हमको लगा लेना है एक स्लाइस पे जब उसको लगा लेंगे तो फिर हमको अपनी फीलिंग जो है वो बीच में डालनी है तो इधर मैंने वो सारे जो हमने मिक्सचर बनाया था कट करके और कैचअप वगैरह का वो सारा स्लाइस पे लगा दिया है और एक स्लाइस को हम इसके ऊपर रख देंगे तो बेसिकली क्लफ सैंडविच में होता क्या है कि हमारा जो सैंडविच होता है ना वो तीन स्लाइसेस का होता है नॉर्मल हमारे सैंडविचेस दो स्लाइसेस के होते हैं तो जो हमने सेकेंड से कवर किया ना फिर हमने उसके ऊपर भी इसकी जो टॉपिंग्स है वो डाल देनी है तो ये हमने अच्छे से इसको लगा लेना फिर उसके बाद हमको इसको कवर कर लेना और इसको मैंने तवे पे ही गर्म किया देखो आपको देख के भी पता लग रहा है कि कितना क्रंची क्रंची सा था और ये बहुत क्रंची सैंडविच बना पता भी नहीं लगता कि ये टोस्ट में बनाया के तवे पे बट बहुत अच्छा बना था और मुझे तो तवे पे अच्छा।